नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सामने आ रही है रामपुर से। आजम खान और उनके बेटे कोर्ट पहुंचे हैं। अब्दुल्ला के दो जन प्रमाण पत्र केस में सुनवाई है आज। अब्दुल्ला आजम के गवाह की गवाही होगी। पिछले दिनों कोर्ट में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आज गवाह की गवाही होगी। आपको बता दें कि आज गवाह को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा करें। अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे हैं, अपने गवाह को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम। बता दें कि दो जन प्रमाण पत्र केस में आज सुनवाई होनी है। पिछले दिनों तबीयत खराब हो जाने की वजह से सुनवाई टल गई थी। तो अहम खबर इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। आज गवाह को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम। आपको बता दें कि दो जन प्रमाण पत्र केस में आज सुनवाई होनी है। आज अब्दुल्ला आजम के गवाह की आज गवाही होगी। साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट में गवाह की तबीयत बिगड़ गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज अब्दुल्ला आजम के गवाह की आज कोर्ट में गवाही होगी। आपको बता दें अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंच चुके हैं, गवाह को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं अब्दुल्ला आजम। पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम के गवाह की तबीयत खराब हो चुकी थी। आपको बता दें कि आजम खान भी अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत को सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में 5 लोकसभा सीटों की अहम जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई है बीजेपी आलाकमान के द्वारा। आपको बता दें कि 5 सीटों के महासंपर्क अभियान के लिए इंचार्ज बनाया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलेगा। बांसगांव, आजमगढ़ और बलिया के इंचार्ज बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। देवरिया और सलेमपुर की भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2 मई को वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड के, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी का महासंपर्क अभियान 30 मई यानी आज से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान वह बांसगांव, आजमगढ़ और बलिया के इंचार्ज के तौर पर काम करेंगे। देवरिया और सलेमपुर की भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। 2 मई को वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी के मद्देनजर त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही बता दें कि खबर सामने यह भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अहम जानकारी, 2024 में यूपी फतह करने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह बनाया है और अपने कई बड़े नेताओं को वह लगातार जिम्मेदारी दे रही है। इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत को यूपी के 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने महासंपर्क अभियान निकाला है। इसके तहत 30 मई से 30 जून तक अलग अलग जगहों पर जाकर, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभय कंतूरा जुड़ गए हमारे संवाददाता। अब है क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को अहम जिम्मेदारी दी गई है 5 लोकसभा सीटों की यूपी में। ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दोनों को उत्तर प्रदेश के भीतर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव से पहले एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बीजेपी का जो महा जनसंपर्क अभियान इस समय 1 माह का जो चलेगा 1 जून से 30 जून के बीच में, उस दौरान 5-5 लोकसभाओं की जिम्मेदारी इन दोनों बड़े नेताओं को यहाँ पर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव को लेकर कोई कोर कसर यहाँ पे ना छूट सके। बीजेपी चाहती है कि हर लोकसभा के भीतर, यानी जहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक पहले की तुलना में और बेहतर यहाँ पर हो सकता है, उनकी जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को यहाँ पर दी जाए जो अनुभवी नेता है, जिन्हें संगठन का बड़ा अनुभव है, किस प्रकार से पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर उन्हें पूरा अनुभव यहाँ पर रहा, तो उसी को देखते हुए ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय जो दिल्ली के दौरे पर है, उन्हें ये जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। उन्हें उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। 5 जो महाजनसंपर्क अभियान चलेगा उस दौरान इन 5 लोकसभा सीटों पर वो एक संयोजक की भूमिका भी यहाँ पर अदा करेंगे। इस प्रकार से महाजनसंपर्क अभियान के तरफ से जो पार्टी के जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर कैसे यहाँ पर संचालित किया जा सकता है, कैसे आम जनता के दिलों में, आम जनता के घर तक पार्टी की जो उपलब्धियां, सरकार की जो उपलब्धियां उनको पहुंचा सकते हैं,
उसकी एक पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर यहाँ पर रहेगी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि मिशन 24 जो बीजेपी लेकर चल रही है, उस मिशन 24 को और मजबूत यहाँ पर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। तो पार्टी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का काम शुरू कर दिया और उसी के तहत ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। क्योंकि ऐसा समझा जा सकता है कि चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, दोनों ही संगठन के पुराने नेता हैं। उत्तर प्रदेश के समय से संगठन की वो अच्छी पकड़ उन पर रहती है और जिस प्रकार से उनका जो कामकाज यहाँ पर रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनके हौसल दे रहते हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से पार्टी का जो ग्राफ है उस ग्राफ को और बढ़ाने का काम वो यहाँ पर करेंगे। जी जी, ये जो बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है आज से 30 जून तक, इसका रूट मैप किस तरीके से होगा? और मैं यह जानना चाहता हूं अभय कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को आजमगढ़ का भी इंचार्ज बनाया गया है। आजमगढ़ जहां पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी डायरेक्ट फाइट में है, काफी अहम सीट मानी जाती है, तो बीजेपी को इसका कितना लाभ होगा और समाजवादी पार्टी के लिए कितना चैलेंज होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत को इंचार्ज बनाए जाने के बाद? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कद रहा है, जो उनका गृह मंत्री अमित शाह के साथ, ये कह सकते हैं कि 2014 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में सर प्रभारी की भूमिका का निभाना, झारखंड में प्रभारी के तौर पर उनका उनके साथ काम करना, तो ये वो अनुभव है जिन अनुभवों का लाभ इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी उनका उनसे लेना चाहती है। क्योंकि जो उनका कामकाज करने का जो तरीका है, जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के बीच में अपने संगठन की रीति नीति को पहुंचाते हैं, तो उसी के तहत ये कह सकते हैं चाहे आजमगढ़ हो या बलिया हो, उन क्षेत्रों में, उन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के जो अनुभवी नेता है, उन अनुभवी नेताओं को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस महाजनसंपर्क अभियान के जो विभिन्न जो काम होंगे, उन कामों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करना है, जनता के दिलों में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को पहुंचाना है, घर घर तक कार्यकर्ताओं की पकड़ को मजबूत करना है, जो विशिष्ट जो लोग होंगे यानी हर क्षेत्र के जो विशिष्ट जो लोग होंगे उन लोगों से बातचीत करनी है, उन लोगों से मिलना है ताकि संगठन के कामकाज यहाँ पर किया जा सकते। बीजेपी ने इस महाजनसंपर्क अभियान को इसलिए भी बड़ा बनाने का काम यहाँ पर किया है, चाहे उससे किसी भी दल का कोई नेता क्यों ना रहा हो, उसके घर तक पहुंचने का काम बीजेपी यहाँ पर करेगी। वो किसे समर्थन करना चाहते हैं वो अलग विषय यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी हर उस वोट तक अपनी पकड़ बनाना चाहती है और उस वोट को अपनी तरफ करना चाहती है जो लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा सकता है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी यहाँ पर दी गई है क्योंकि उनका 2014 के जो लोकसभा चुनाव में जो उनका काम करने का जो तरीका यहाँ पर रहा, उससे बीजेपी काफी प्रभावित नजर आई थी। अब चुनावों के लिहाज से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी यहाँ पर दी गई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली में एक और लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। साक्षी मर्डर के दूसरे दिन एक और युवती का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर इंडिया वॉइस पर इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। घर की छत पर खून से लथपथ लाश मिली है। 22 साल के मनीषा छेत्री के तौर पर युवती की पहचान बनाई गई है। सफदरगंज इलाके की रहने वाली युवती, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली सिविल लाइंस थाना के मजरू का टीला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अहम जानकारी इस वक्त की इंडिया वॉइस पे आपके साथ साझा कर रहे हैं। 22 साल की मनीषा छेत्री के तौर पर युवती की पहचान हुई है। आपको बता दें कि 24 घंटे भी साक्षी हत्याकांड के अब तक नहीं हुए हैं कि एक और हत्या दिल्ली में हुई है। बता दें पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली सिविल लाइंस थाने के मजनू टीला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक और लड़की की हत्या हुई है। आपको बता दें कि साक्षी हत्याकांड के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक और लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। साक्षी मर्डर के दूसरे दिन एक और युवती का शव मिला है। आपको बता दें कि लगातार साक्षी हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर, गृह विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इसी कड़ी में एक और लड़की की हत्या कई सवाल को खड़े करती है। साक्षी हत्याकांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। साक्षी के परिवार को 10 लाख की मदद देंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि साहिल को कठोर से कठोर सजा मिले। बहुत बहुत दर्दनाक
अच्छा है और मतलब वो देखा नहीं जा रहा है जिस तरह से काफी तो उसकी जितनी भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए और हम समस्या में लड़का पकड़ा गया है उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा केस खड़ा करेगी और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर हम काफी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें करने के लिए आप अपने काम करके आपको संविधान के काम दिए हमें मौका माफ करें हमें भी संविधान के काम दिए हमें हम करेंगे ज्यादा क्षमता भी होगी और आशीष जी क्या रही है फैमिली से मिलने के लिए और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उससे कठोर से कठोर सजा दिखाने पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा नदी में मेडल बहाएंगे पहलवान, आज शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे पहलवान। मेडल हमारी जान है, प्रदर्शनकारी पहलवानों का कहना है इंडिया गेट पर पहलवान अब आमरण अनशन भी करेंगे। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी पहलवान अब गंगा नदी में अपने मेडल बहाएंगे। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सारे पहलवान और वो अपने मेडल को हरिद्वार में गंगा नदी में बहा देंगे। आपको बता दें कि मेडल हमारी जान है, प्रदर्शनकारी पहलवानों का कहना है। आपको बता दें कि लगातार पिछले करीब 1 महीने से लगातार पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 मई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने पहलवानों का टेंट तंबू हटा दिया और पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया गया, जिसके बाद आज पहलवानों ने ऐलान किया कि आज वो अपना मेडल हरिद्वार जाकर गंगा नदी में बहाएंगे। आज शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सारे पहलवान। मेडल हमारी जान है, प्रदर्शनकारी पहलवानों का कहना है इंडिया गेट पर। इसके बाद अब अमरन अनशन भी करेंगे पहलवान। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, पहलवानों का कहना है अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पे आपके साथ साझा कर रहे हैं, इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे पहलवान। साथ ही आज शाम 6 बजे हरिद्वार में मेडल को गंगा नदी में बहाएंगे सारे पहलवान। तो हम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान आज शाम 6 बजे हरिद्वार में अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे, गंगा में अपने मेडल को बहाएंगे। वे इसके लिए हरिद्वार रवाना हो चुके हैं। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर काफी दिनों से धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद ये जंतर मंतर से लौट आए हैं। आपको बता दें कि रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। साक्षी ने लिखा, हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं, मेडल हमारी जान है, प्रदर्शनकारी पहलवानों का कहना है। रेसलर साक्षी मलिक ने बकायदा इसके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा है। पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। एक तरफ जहां लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि पहलवान हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं मेडल को अपने गंगा में प्रवाहित करने के लिए। बिल्कुल, आज शाम 6 बजे का वक्त है दिनकर जो मुकर्रर किया गया है और शाम 6 बजे गंगा में प्रवाहित हो जाएंगी जी वो चीजें जो अब तक पहलवानों ने अपनी कड़ी मेहनत से खून पसीने से स्टेडियम में खून पसीना बहाकर कमाई थी, वो मेडल्स जिनको
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन मेडल्स के चलते हिंदुस्तान की पहचान मिली, जिन मेडल्स के चलते इस देश के पहलवानों को पहचान मिली संपूर्ण विश्व में, एक ग्लोबलाइज आइडेंटिटी थी बजरंग पूनिया की, साक्षी मलिक की, विनेश फोगाट की। वो पहलवान आज निकल गए हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार निकल गए हैं इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उस सम्मान को वो गंगा नदी में विसर्जित करना चाहते हैं, गंगा नदी में बहाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि ऐसे मेडल्स का रख के हम क्या करेंगे जब सरकार हमारी सुन नहीं रही। हमने सरकार के लिए, हमने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने इस देश के लिए सात समुद्र पार जाकर इस देश का नाम रोशन किया, इस देश का मनोबल बढ़ाया, इस देश के पहलवानों का मनोबल बढ़ाया, लेकिन उस मनोबल का नतीजा क्या निकला दिनकर? ढाक के तीन पात। ब्रजभूषण शरण सिंह की पॉक्सको एक्ट में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब पहलवान निकल गए हैं हरिद्वार के लिए। शाम 6 बजे ये पहलवान अपने मेडलों को प्रभावित कर देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक दल आएंगे क्या इनको रोकने के लिए, क्या बीजेपी आएगी रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी जो राजनीति से कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है, वो आएगी क्या इन पहलवानों को रोकने के लिए कि इन मेडलों की कमाई बहुत है, इन मेडलों, ये मेडल अनमोल है, इनकी कोई कीमत नहीं है, इनको मत भाइए। सियासी रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दल आएंगे क्या इन पहलवानों को रोकने के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इंडिया वॉइस दिनकर आज उठा रहा है। लेकिन 5 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में एक महारैली कर रहे हैं, तमाम संतों को बुलाया गया है और पॉक्सको एक्ट उनके लिए एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है उस रैली के जरिए, कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री, देश के पहलवानों के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यह पूरा इस माहौल चल रहा है। तो फिलहाल एक पहलवान है, रेसलर ने पोस्ट भी किया है, साक्षी मलिक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया दिनकर सोशल मीडिया पे, और साक्षी मलिक अपने पोस्ट के जरिए दिनकर क्या कह रही हैं? वो कह रही है हमें अपराध बना दिया गया, शोषण करने वाला ठाके लगा रहा है कि हमने मेडल इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। दूसरे पोस्ट की बड़ी बात यह है कि मेडल लौटाने पर सवाल आया किसे लौटाएं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लौटाने पर मन नहीं माना, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली, प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर की बेटियां बताया लेकिन एक बार फिर सुध नहीं ली। आपको याद होगा जब ओलंपिक जीत के आई थी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तो विनेश से प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उस दरमियान बजरंग पूनिया भी साथ थे, तो प्रधानमंत्री ने बात कही थी, कहा था विनेश तो मेरे घर की बेटी है, मैं इसको निराश नहीं देख सकता, इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो वीडियो दिनकर आज वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था एक ओर, और दूसरी ओर इन पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा घसीटा जा रहा था, क्या यही इन्होंने मेहनत की इसी दिन लेकिन शिवम को देखने के लिए? लेकिन शिवम बड़ा सवाल यह है कि आज यह मेडल प्रवाहित करने वाले हैं ये लोग गंगा में, लेकिन थोड़े दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया था कि मेडल वापस क्यों करना, वो तो 10-15 रुपए की मेडल है, करना है तो उन पैसों को वापस करो जिस माध्यम से आपने कमाया है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा सरकार पर या कोई फर्क पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर, क्योंकि 5 जून को जैसा आपने बताया कि एक महारैली बुलाने वाली है, सरकार के पास आखिर क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही? पॉक्सो एक्ट जी दिनकर, ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा इस तरह का बयान दे देना एक निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है कि आप पैसा वापस कीजिए, ये 15 रुपए का मेडल है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के नजर में एक खून पसीने की कमाई के द्वारा विश्व के पटल पर नाम रोशन किया गया महिला पहलवानों के द्वारा, वो मेडल उन्होंने जीता, उस मेडल की कीमत महज आपने 15 रुपए आंकी, जिसको जीतने के लिए लोग जिंदगी भर के मेहनत करते हैं, ख्वाब होता है, रात को नींद नहीं आती उस सपने को पूरा करने के लिए, क्या उस मेडल की कीमत आपने महज 15 रुपए जीती ब्रजभूषण शरण सिंह? और जो जो आपने धनराशि दी उसको लौटाने की बात किस मुंह से कही जा रही है? हाँ, हालांकि आप पर पॉक्सो एक्ट है, आप गिरफ्तारी आपकी नहीं हुई है, वो अलग दूसरा मामला है, लेकिन इस तरह के बयान देना, आपके ऊपर जांच बिठाई गई है, आप दोषी होंगे तो आपको सजा का ऐलान होगा, नहीं दोषी होंगे तो आप पाक साफ, आपका दामन रहेगा, लेकिन उससे पहले इस तरह के बयान ने क्या साबित करना चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? इस तरह के बयान देखे जाहिर तौर पर दिनकर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश देश में की जा रही है 2024 के चुनाव से पहले। देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है, महिला पहलवान धरने पर है, उनको घसीटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। शिवम, अब यह देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।
तो आज शाम 6 बजे पहलवान हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में अपने मेडल्स को प्रवाहित करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, तो एक तरफ लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे हैं। अभी उन्होंने थोड़े दिनों पहले मऊ में एक आयोजन में बयान दिया, उसके बाद अभी अयोध्या में उन्होंने एक महारैली बुलाई है जिसमें कई साधु संत शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों से अपील की है, ट्वीट कर पहलवानों से। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपील की है, उन्होंने कहा अपने मेडल गंगा में न बहाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा है अपने मेडल गंगा में न बहाएं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको बता दे कि प्रियंका गांधी के साथ जंतर मंतर भी पहुंचे थे, इसके बाद लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच वार पलटवार भी देखने को मिला है। फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों से ट्वीट कर अपील की है अपने मेडल गंगा में न बहाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने प्रदर्शनकारी पहलवानों से अपील की है कि अपने मेडल्स को गंगा में न बहाएं। आपको बता दें कि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, उनके अखाड़े को लेकर, इन पहलवानों को लेकर कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और इन पहलवानों के बीच साठ घाट है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर भी पहुंचे थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर खिलाड़ियों से अपील की है, उन्होंने कहा है कि अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें, गंगा में अपने मेडल को ना बहाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर बड़ा अपील की है, उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट के बीच चला रहा विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई। सुलह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया ने पूछा कि क्या उन्हें भरोसा है कि पायलट एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब उनसे काउंटर सवाल किया गया कि पायलट की क्या भूमिका होगी, इस पर गहलोत ने कहा कि भूमिका हाईकमान की होती है, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज मेरी ड्यूटी है, मैं उसे उस दिशा में काम करूं कि सरकार कैसे रिपीट हो, हाईकमान भी यही चाहता है। मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखता, मायने रखता है। जिंदगी में हमें 3 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना, ये नहीं माइक बिल्कुल उठा रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। मुझे सब कुछ पार्टी ने किया है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने पूछताछ किया, मुझे तो चांस दिए काम करने के। आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे, जिस प्रकार का गीत क्या है उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था मैंने 5 साल की तरह गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश का, अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता इतनी समझ जाएगी कि काम वो राष्ट्रीय राजनीति के बाद ध्यान रखना, उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। हालांकि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल का समर्थन करने के पक्ष में नहीं है, वहीं जब आज केजरीवाल से यह पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि वो आपको समर्थन नहीं करेंगे, तब केजरीवाल ने कहा कि यह मुद्दा केजरीवाल का नहीं, यह मुद्दा देश के संविधान का है, या कांग्रेस को तय करना है कि वो मोदी के साथ खड़ी है या देश की जनता के साथ। मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं,
के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। देखिए मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूं और उनके दिल्ली सरकार और पुलिस के तमाम कवायदों के बाद भी दिल्ली में अपराध पर रोकथाम नहीं लग रहा है। लगातार क्राइम रेट में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लूटपाट, छिनैती, चोरी अब आम बात हो गई है। ताजा मामला गोविंदपुरी से है, जहां गली नंबर 4 में बदमाश ने शासन और प्रशासन के डर को ताक पर रखते हुए बाइक चोरी कर 9-2-11 हो गया। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब भुगत भोगी बाइक से कहीं जाना चाहा तो पीड़ित ने देखा कि उसकी बाइक गायब है। बहरहाल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में कैद वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह राजधानी में चोर बेखौफ हैं। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।